गुरु फाइनली जो है मैं आ चुका हूँ अंबिकापुर और छत्तीसगढ़ बॉर्डर। ये हो रही है अपनी गाड़ी खाली, और खाली करके देख सकते हैं कितनी प्यारी गाड़ी है। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वाली वीडियो आपको पता है, हम अनपरा जा रहे थे और उसको एंड कर दिए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो अब बैक टू बैक वीडियोस बनेंगे, आप तक आएंगे। और मैं अभी सफ़र में ही हूँ, तो निकल चुका हूँ मैं। अभी अरोरा मैं पहुँच गया हूँ, अरोरा घाट के ऊपर हूँ, मतलब मुंबई वाला घाट के ऊपर नहीं, ठीक है। तो ये है घाट के ऊपर और लगभग यहाँ से सुकृत की दूरी जो है 4 किलोमीटर है। अब बारिश आ रहा है, ये सारे जो है मतलब एरिया हरे भरे हो जाएंगे और लोग घूमने आएंगे यहाँ से। क्या बोलते हैं, कौन सा दरी है भूल जाता हूँ, हाँ भरदरिया दरी, ठीक है, भरदरिया दरी यहाँ से है, जिसको भलदरिया वाटर बोलते हैं हम लोग, वाटरफॉल। और लखनिया इधर था तो वो बंद हो गया, तो फ़िलहाल भरदरिया ही है लोगों के लिए जाने के लिए, ठीक है। तो अब ये वाला सफ़र करते हैं शुरू। गुरु मैं पहुंच चुका हूं अभी फ़िलहाल रावर्ट्सगंज, और मेरे सामने है अम्बेसडर, देख सकते हैं कितनी प्यारी गाड़ी है। और ये भाई जूम हो रहा है तो ब्लर, अच्छा अब नहीं होगा भाई। बचपन याद आ जाती है क्योंकि सड़कों पे एक टाइम पे ये सारी गाड़ियां ना हो के खाली एम्बेसडर होती थी, और नेता लोग लेके घूमते थे, इसको एम्बेसडर ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं। और ये अभी भी कोलकाता में टैक्सी के रूप में चलती है, वो आगे जा रही है ये उधर, तो बड़ी प्यारी गाड़ी लगती है मेरे को भी। पहले लाल बत्ती लगा के नेता लोग घूमते थे तो अच्छा लगता था, ठीक है। तो अभी मैं पहुंच गया रावर्ट्सगंज और चलते हैं भाई धीरे 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 आगे, तो मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु ये मैं पहुँच गया मारकुंडी, और सामने से इतनी कड़क धूप है ना, हालांकि गर्मी है, 42 डिग्री सेल्सियस अभी यहाँ का तापमान है, और मतलब फट गई है भैया। देखो ये लोग बंदरों को कुछ खिला रहे हैं, बंदरों से ही डर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं रुक गया ये सब मेरे तिरपाल और जो भी पेपर लदा है सब फाड़ डालेंगे। जय श्री राम। और ये है बिग ग्लोरी पत्थर, देख सकते हैं मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको दिखाया है। बेर लोरिक जो थे यादव समुदाय, मतलब यादव समाज से ही थे हमारे, और बलिया में उनका जन्म हुआ था। बलिया में एक गांव था गौरा, जहां पे वो पैदा हुए थे। और ये हैं हनुमान जी, जय श्री हनुमान जी। ओ भाई साहब, ईसा विरेकर है ना, पूरी गाड़ी हिल जाती है, ठीक है। तो चलिए यहां से चलते हैं और फिर आगे देखते हैं। आगे यार पूरी डैम थी जो कि सूख चुकी है, इतना सूखा इस बार। और सामने जो है खड़ी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं अब आप सभी से आगे। तो गुरु मैं पहुँच गया अभी चोपन ब्रिज पे, इधर देखिए, इधर देखिए एकदम कड़क। और सामने है चोपन मार्केट, इधर जाएंगे ओबरा, इधर ट्रकें लोड हो रही हैं, हाइबा ट्रक सब लोड हो रहा है। और सामने चोपन मार्केट है, बहुत बड़ा चोपन मार्केट नहीं है, थोड़ा ही है पर ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं फिर मिलते हैं आगे आप सभी से। तो गुरु पहुँच गए हम मुर्दावा मोड़, और ये है मुर्दावा मोड़, अपने को सीधा जाना है वापस आके, इधर अंबिकापुर जाना है। और ये सीधा जाएंगे तो अपन पहुँच जाएंगे रेणुकूट मार्केट से होते हुए कहाँ पर, अनपरा, शक्ति नगर, बैढ़न, सिंगरौली, ये सीधा सीधा रोड जाता है भैया। जान लीजिए माला, ये कान है ना गर्म हो गया है, इतनी तेज़ धूप थी, मतलब कड़क वाली धूप। अभी भी देखिए सामने से मेरे मुंह पे ही आ रही है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये अगर लगाते भी हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फ्रंट के लिए है, साइड में आएगा तो भी मुँह पर आएगा ही आएगा, पर क्या ही कर सकते हैं गरीब आदमी मैं गरीब आदमी इसी नहीं लगवा सकता, इसमें इसी लगवाऊँगा तो कमाऊँगा क्या। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से चलते हैं फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। अरे भैया बढ़ो यार, धूप में खड़ा ना कराओ। तो गुरु फाइनली जो है मैं पहुँच चुका हूँ हिंडालको रेणुकूट, ये देख सकते हैं पूरी भीड़, बहुत तगड़े वाली भीड़ है अभी फ़िलहाल के लिए। ये देखिए हिंडालको से जो है छूटे हैं लेबर, और मतलब मज़दूर लेबर जो कहिए आप, वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, क्या क्या बोलते हैं ना
अंग्रेजी में बोले तो कूल लगता है, हिंदी में बोल दे तो थोड़ा लोगों को ऑड लगता है कि लेबर बोल दिया, पर जो है वही है भैया, लेबर तो हम भी हैं, दिन भर मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर हैं। तो यहाँ से जो है ये रेणुकूट मार्केट है, यहाँ से अभी अपने को पहुँचना है अनपरा, 30 किलोमीटर है यहाँ से, और तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। तो भाई पहुँच गए अभी फ़िलहाल रिहंद बांध, और ये पुल है, इधर रिहंद बांध है, आपको दिख ही रहा होगा। ये जो है मस्त एकदम, शाम के अभी 5:30 बज गए हैं, 6 बजने वाले हैं, और इधर बांध है, मतलब डैम जहाँ बिजली पैदा होता है, और आधा भारत क्या, मतलब लगभग पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली यहीं से जाती है, भारत में भी बहुत जगहों पे बिजली यहीं से जाती है। तो अब यहाँ से अनपरा जो है 20 किलोमीटर रह गया है, 20 या 25 किलोमीटर होगा, और तो चलिए यहाँ से पहुँचते हैं, पहले 26 किलोमीटर अनपरा है उधर लिखा हुआ है, तो अनपरा आप पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु फाइनली जो है जहाँ खाली करना है वहाँ पहुँच चुके हैं, ये रही अपनी गाड़ी, और इसको जो है खाली करते हैं, और फिर पहले रस्सी वस्सी खोल लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो भाई ये अपने लगा दिया हूँ गाड़ी, और ये हो रही है खाली, और देखते हैं कितने टाइम में खाली हो जाती है। खाली करके यहाँ से चलना है अपने को अंबिकापुर, तो रात को कहीं सो जाएंगे, और उसके बाद जो है सुबह में पहुँचेंगे अंबिकापुर, तो पहले खाली करते हैं, रस्सी वस्सी पड़ा है, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु फाइनली जो है अपनी गाड़ी खाली हो गई, और खाली करके मैं निकल गया हूँ, और अब चल रहा हूँ, भूख लगी है बहुत तगड़े वाली, वहाँ कुछ खाने पीने देखिए मिला नहीं, तो अभी जो है मेरी भूख बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से सर भी दर्द होने लगा है हल्का हल्का, अब कुछ खाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फटाक से पहले पहुँचता हूँ रेणुकूट, वहाँ पहुँच के कुछ तो खाता हूँ पहले, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या करना है, कहाँ सोना है, कहाँ नहीं, क्या करना है, पहले लेकिन खाना। तो यहाँ से पहले निकलते हैं, मतलब निकल ही गए हैं, जंगल जंगल है पूरा, अब रेणुकूट पहुँचते हैं, तो वहाँ कुछ खाने पीने का देखते हैं। अनपरा में तो हमको कुछ समझ नहीं आया भैया, तो अब रेणुकूट चलते हैं, तो देखते हैं। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव। तो रात को गाड़ी जो है वो खाली करके मैं आया बभनी, अभी बभनी में ही हूँ, ये रही अपनी गाड़ी, और जो है अभी मैं फ़िलहाल फ्रेश व्रेश होके आ गया हूँ, और उसके बाद अब चल रहा हूँ मुँह थोड़ा धोएं, और गाड़ी में डीजल वीजल डला के फिर निकलते हैं अंबिकापुर, लोडिंग अपना कन्फर्म है, तो यहाँ से जो है अब बस निकलेंगे, और पहले फ्रेश मतलब ब्रश ब्रश कर लेते हैं, फ्रेश व्रेश हो जाते हैं एकदम अच्छे से मस्त, फिर कुछ खाते पीते हैं, फिर निकलेंगे। तो यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं, पहले तेल डला लेते हैं फिर। तो भैया ये आ गए टंकी पे, ये तेल डलाना चालू कर दिए, मतलब तेल डालना ये चालू कर दिए हैं, SR पंप यहीं पे मैं तेल डलाता हूँ, और एक अपने यहाँ लाहट में डला लेता हूँ मतलब हाजीपुर में, और दूसरा यहाँ पे डलाने आता हूँ, सुबह का टाइम है, और ये देख सकते हैं कुछ ऐसा माहौल है टंकी का, और ये SR पंप है जिसका अभी नाम नायरा या न्यारा क्या बोलेंगे जो भी बोलेंगे हो गया है। तो गुरु ये वहाँ से निकल के पहुँच गए बभनी मार्केट में, और ये है बभनी मार्केट, यहाँ से बॉर्डर 14-15 किलोमीटर होगा, अब बॉर्डर पे भी एंट्री भी कराना होगा, 300 रुपये का एंट्री लेगा, अलग ही पंचायत है, रुको एंट्री कराओ, TP कटाओ, बड़ी समस्या है यार। चलिए यहाँ से अब चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे आप सभी से। तो गुरु बभनी क्रॉस हो गए, और फिर बॉर्डर पहुँचने वाले हैं, ये थोड़े से कुकीज़ हैं, बिस्किट, और जहाँ पे केक का बॉक्स खाली किया था वहाँ से बिस्किट ले आऊँ, मतलब ले क्या हूँ, उन्होंने नहीं दे, जब जाता हूँ तो देते हैं, ये बिस्किट है, बहुत प्यारा लगता है, हल्का नमकीन है और फिर मीठा है, और इसको जो है खाते हैं, भूख लग गई है सुबह सुबह, क्योंकि आगे चल के खाना खाएंगे, फिलहाल तो बिस्किट खा लेते हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु फाइनली बॉर्डर में पहुंचने वाला हूं, और ये है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ बॉर्डर, यहां पे एंट्री भी करानी पड़ेगी,
पहले तो एंट्री नहीं लगता था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, एक साल बिना एंट्री का चला हूँ बहुत मजे से। तो ये आ गए बॉर्डर, सामने लगा है देखिए बैरियर, और यही बैरियर अपने को करना है क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं फिर आगे मिलते हैं। यहाँ की सड़क बहुत ख़राब थी, तो वही बन रहा है इधर सब। ये पूरा सड़क ख़राब था, एकदम गड्ढा गड्ढा था। थैंक गॉड फाइनली ये लोग बना नहीं रहे हैं, सिर्फ चकती रख रहे हैं। जो गड्ढे हैं उनको बस बंद किया जा रहा है चकती रख के, सड़क को पूरी तरीके से बनाया नहीं जा रहा है। देखिए पता चल रहा है, देखिए उबड़ खाबड़ नया डांबर जूना डांबर कैसा लग रहा है, मतलब नया डांबर पुराना डांबर। अलग ही चल रहा है भाई। तो ग्रुप पहुंच चुका हूं मैं प्रेमनगर मोड़, सामने प्रेमनगर मोड़ है एकदम, और यहां से फिर पहुंच जाएंगे वाड्रफ नगर। सुबह का टाइम और मौसम एकदम मस्त, यहां पे सिग्नल लगा दिया गया है, लूप लूप जल रहा है सौर ऊर्जा से, क्योंकि टर्निंग है भाई यहाँ पे। ये प्रेमनगर जो कि आपको ये लेके चले जाएगा कहाँ पे, रामानुजगंज। मैं इसमें पहले लोड करने जाता था, हालांकि अब इस साल तो मैं चला ही कहाँ, इस साल बस जो भी हुआ एक महीने तो मैं घर पे ही रह गया, गाड़ी ड्राइवर चलाए जितना चलाए, पर खैर ठीक है चली काम पर, किस्त निकाल दी भैया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, थोड़ी बहुत हुई भी तो वो एडजस्ट हो गई। पर चलिए यहाँ से चलते हैं फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। गुरु फाइनली जो है वो मैं पहुँच गया वाड्रफ नगर, और ये है राजीव गांधी चौक, और इधर सामने से जो है अंबिकापुर जाता है रास्ता। तो अपने को चलना है अंबिकापुर, लोडिंग तो भाई दो तीन है, लेकिन ये जो लोडिंग मैं ले लिया हूँ उसका भाड़ा वो कम दे रहा है, अब समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, कम भाड़े में जाऊँ कि भाड़ा कैंसिल करूँ। और एक लोडिंग है तो वो भाई साहब का अलग ही टेढ़ा रहता है, कभी सीधे मुँह बात ही नहीं करते हैं, तो उससे बात करने का वैसे मन नहीं कर रहा। एक भाड़ा रात का ही बात किया हूँ, उस भाड़े में जाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि वो बिहार जाना है। रेडियो जैसे बोल रहा हूँ मैं, अजीब हो जाता कभी कभी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अब चलते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। तो दोस्तों मैं पहुँच गया अभी जो है क्या बोलते हैं यहाँ पे यार, चंदौरा रोड है ये जो प्रतापपुर और चंदौरा के लिए बहुत चौड़ा हो गया भाई, एक महीने में बहुत कुछ बदल गया इधर। ये सिंगल रोड था और कच्चा रोड था पूरा, अभी भी कच्चा ही है, हालांकि बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन है, और चौड़ा जिस दिन ये बन जाएगा, फोर लेन बन रहा है ऐसा लग रहा है, बड़ी मज़ा देगा भाई चलने में, क्योंकि उधर से पहाड़ के उस पार से घूम के जाना पड़ता है, ये सीधा पड़ता है, तो बारिश से पहले बन जाता तो मज़ा ही आ जाता, पर बारिश से पहले बने मुश्किल लग रहा है। इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि बारिश एक महीने में स्टार्ट हो जाएगी लगभग, क्योंकि जून स्टार्ट हो गया है, जुलाई से बारिश जो है वो तेज से चालू हो जाती है, जुलाई अगस्त ही बारिश होती है, मतलब 5 तारीख को लग जाएगा आषाढ़, तो आषाढ़ महीने में बारिश आधा आषाढ़ जाते जाते होने ही लगता है, फिर आषाढ़ सावन फिर भादो, इन सब में बारिश बहुत मतलब दबा के होती है। तो ठीक है देखते हैं बन जाएगा तो अच्छा, नहीं तो घूम के तो जाना है ये है। चलिए यहाँ से चलते हैं फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु फाइनली मैं पहुँच गया प्रतापपुर, और ये है प्रतापपुर। ग्लास मेरा थोड़ा गंदा है, मैं फ्रंट शीशा आगे चल के कहीं साफ़ करूँगा, क्योंकि सामने से धूप है जिसकी वजह से दिक्कत लग रहा है, नहीं तो नहीं। तो ये है प्रतापपुर मार्केट, और आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम हियर। चलिए यहाँ से चलते हैं एंड मिलते हैं आप सभी से। दोस्तों आ गया मैं मोरन, और ये मोरन है कोल्ड फील्ड, क्या बोलते हैं यार, कोयले का खदान जो भी है व्हाटएवर। तो सामने है चीनी मिल, और सामने है चीनी मिल, और इधर कोयले का खदान, इधर ड्रिप करके रखा हुआ है कुछ बोने के लिए,
हरे राम, आई एम फील सो टायर्ड ब्रो, बहुत थकान महसूस हो रही है, बहुत दिन गाड़ी पे आकर और सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, रात से हल्का हल्का, ये क्या है सर दर्द का मैटर ही नहीं समझ आ रहा है, लगता है गर्दन के बल सो गया था, गर्दन पे मतलब कंबल रख के, माफ करिएगा उबासी आ गई, तो कंबल रख के इसकी वजह से शायद सर दर्द हो रहा है। ये मामा माया शक्कर मिल, ये देखिए दूडो क्या टांगे राफेल लिए जा रहा भैया रॉकेट लॉन्चर है, लॉन्च करेगा पाकिस्तान, खत्म। चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। गुरु फाइनली जो है मैं आ चुका हूँ अंबिकापुर और मुझे 2 बजे लोडिंग करने जाना है, अभी बजने वाला है 12 और मैं अब देखूँ मस्त अभी इस तरह लगा लिए हैं, अब इसमें सोऊंगा, सो के अब बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1-2 घंटे सो लूँगा, बहुत फ्रेश हो जाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा लोड करने 2 बजे, तो 2 बजे वहाँ पहुँचूँगा, लगभग 3 बजे से लोडिंग चालू कराएंगे सब, 2.5-3 घंटे लोडिंग में ले लेते हैं, तो 5 से 6 के बीच में गाड़ी लोड हो जाएगी, उसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से फिर बनारस के लिए। तो अभी तो सोना है, मौसम मस्त हो रहा है यहाँ तो, हालाँकि गर्मी बहुत कम है, अकॉर्डिंग टू यूपी छत्तीसगढ़ में गर्मी अभी बहुत, मतलब वहाँ 44 डिग्री है तो यहाँ अभी 38 डिग्री सेल्सियस, 6 का फ़र्क चल रहा है अभी, तो 6 डिग्री बहुत मायने रखता है, घर पे तो व्याकुल हो जाते थे गर्मी से, पर यहाँ ठीक चल रहा है यार। तो कहने का कुल मतलब ये है कि गाड़ी पे आना ही फ़ायदा है अभी के लिए, अगर रात भर में आप यहाँ आ जाते हैं तो दिन भर आपका मस्त गुजर जाता है, फिर रात भर में आप यूपी पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो अब सो के उठते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से।